तो फ्रेंड्स मेरे हाथ में है सैमसंग का ON7। चलिए इसको अनलॉक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको हार्ड रीसेट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वॉल्यूम आप, पावर और मिडिल होम की। जब भी लोगो आता है तभी आप पावर बटन को छोड़ दीजिएगा। अभी इसका आ गया रिकवरी मेन्यू। यहाँ से आप वाइप डेटा फैक्टर रीसेट कर सकते हैं। इसको कर लीजिए। करने के बाद हम लोग FRP अनलॉक करेंगे। जो भाई लोग नया नया इस बिजनेस में आए हैं, अभी सर्विस सेंटर ओपन किए या फिर आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं, वो लोगों के लिए है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। मेरे सर्विस सेंटर में बहुत सारा काम आता है, उन्हीं को करते हैं। अभी जितना काम आता है उतना रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता है और अपलोड एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता है। उन्हीं में से दो चार को मैं उठा के रिकॉर्ड वीडियो को बना देता हूँ, फिर बाद में उसको और भी सारे डालता रहता हूँ। तो आप लोग ये फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों को गूगल पे जाना है। कोई भी तरीका लगा के गूगल पे जाना मेन टारगेट है। वहाँ पर जाके आपको सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है पूरा फॉलो करिए, एक भी मोमेंट मिस मत करिएगा। अभी एपेक्स लॉन्चर लोड करना ज़रूरी है। एपेक्स लॉन्चर के थ्रू हम लोग सेटिंग में जा सकते हैं और भी पूरा जो ऐप है उसको डाउनलोड करके इसको अनलॉक कर सकते हैं।
अभी हम लोग एपेक्स लॉन्चर में आ गए, अभी जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है पूरा फॉलो करिए। Gracias.
मेरी पॉस्ट फ्रेशर चेक करते हैं, पॉस्ट फ्रेशर जो है सीजन था पॉस्ट फ्रेशर ना अरे मेरे वो जो कार है अभी पॉस्ट फ्रेशर में मार देने जा रहा है जला है कहता है और जला है तो जाना था उसका भाई কাজ করি না